एक लोगों की टेस्ट की है, उनमें से 30,043 यानी 30,043 इनकी टेस्ट कल हुई, उसमें 26,331 जो थे वो आईसीएमआर नेटवर्क के जो 176 लैब्स है उनमें हुआ है, 3,712 ये प्राइवेट लैब्स में हुआ है जिनकी संख्या अभी 78 है, और उनके कलेक्शन सेंटर्स ये 16,000 सिटीज के अंदर पाए जाते हैं देश भर में। ये जो कैपेसिटी का बार बार इशू आता है, अभी आपने देखा कि 26,331 वो नेटवर्क में से हुए हैं, तो हम अगर 9 घंटा काम करते हैं जैसे एक शिफ्ट में करते हैं तो हमारी अभी जो लैब की कैपेसिटी है वो 42,418 है, और अगर हम उसको बढ़ा के 2 शिफ्ट में कर दें तो 78,227 लोगों की टेस्ट हम हर दिन कर सकते हैं। दूसरी बात जो बार बार पूछ रहे थे सब, रैपिड टेस्ट किट्स आए क्या? 2 किस्म के रैपिड टेस्ट किट्स आज आ चुके हैं, एक लिवजॉन करके कंपनी का है, एक वॉन्टफ्लो करके कंपनी का है। ये जो टेस्ट किट्स हैं इनकी संख्या लिवजॉन की 2 लाख और वॉन्टफ्लो की 3 लाख है। इन दोनों किट में थोड़ा सा फर्क है, फर्क यह है कि लिवजॉन का जो किट है, लिवजॉन का किट और वॉन्टफ्लो के किट में IgG और IgM 2 अलग बैंड्स आते हैं क्या? एक इसमें दोनों बैंड एक साथ होते हैं, जिसके बारे में हम थोड़ी चर्चा करके देखें। इन दोनों किट्स की सेंसिटिविटी 80% से ज़्यादा है और स्पेसिफिसिटी भी तकरीबन 84% से ऊपर ही है, तो जिस ढंग से इनका जो क्लेम है कि ये टेस्ट अच्छे हैं, शायद उसका पहला इस्तेमाल होगा और हमको खुद को भी उसके बारे में फील्ड कंडीशंस में का पता चल जाएगा। अब जब इन चीज़ों की हम बात करते हैं तो 2 चीज़ें समझना ज़रूरी है, ये सीरोलॉजिक किट्स हैं। अब जब हम सीरोलॉजिक किट्स बोलते हैं, जो एंटीबॉडी देखने के किट्स जिसको हम अभी रैपिड किट करके ज़्यादा जानते हैं, वो किट्स के बारे में हमको थोड़ा समझना पड़ेगा। मेरे शरीर में अगर विषाणु गया तो मुझे क्या दिखेगा? सबसे पहले मेरे नेजल स्वैब या ओरल फेरिंजियल स्वैब, जहाँ से स्वैब जो हम लेते हैं उसमें विषाणु नज़र आएगा। मैं अगर और 8 दिन रुकूं, 8 दिन के बाद में मुझे क्या दिखाई देगा कि जैसे मुझे लक्षण आना शुरू हो जाएंगे, उन विषाणु की संख्या ये मेरे गले में या नाक में रहे वो सबसे ज़्यादा होती है जब लक्षण आते हैं, जब उसके बाद में ये गिरना शुरू हो जाती है। अब उस वक्त एंटीबॉडी को क्या होगा? अब थोड़ा एंटीबॉडी के बारे में हम समझ लें, यानी वो क्लैरिटी हमको लोगों तक पहुंचाने आएगी। मेरे शरीर में अगर कोई विषाणु गया तो वो विषाणु को लड़ने के लिए मेरा शरीर कुछ शस्त्र तैयार करता है, जिनको हम साइंटिफिक भाषा में एंटीबॉडी बोलते हैं। ये एंटीबॉडी जो होती है, जैसे अगर मुझे बताना है समझो इस किस्म का विषाणु है, तो एंटीबॉडी इससे एग्जैक्टली उल्टी होती है, वो इस किस्म की रहेगी और उसको चिपक जाएगी तो वो विषाणु नाकाम हो जाएगा। अब हमको एक समझना है, इनमें टाइप्स होते हैं। सबसे पहली एंटीबॉडी जो आती है वो IgM किस्म की एंटीबॉडी आती है। ये जो IgM किस्म की जो एंटीबॉडी होती है ये ज़्यादा दिन रुकती नहीं, थोड़े दिन के बाद में चले जाना अपेक्षित रहता है। IgM एंटीबॉडी जैसे आती है तो हमको पता चलता है कि ये इन्फेक्शन रीसेंट है, ऐसे में लगा है। जब IgG एंटीबॉडी आएगी तो मुझे ये पता चलेगा कि मेरी प्रतिकार शक्ति अच्छी हो रही है। इसका मायना सिर्फ IgG अगर मुझे दिखा और IgM नहीं दिखा तो मैं ये समझ सकता हूँ ये पुराना इन्फेक्शन है। अब इतना मैंने क्यों बताया, उसके 2 कारण हैं। जब हम रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट करेंगे तो ये रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट अर्ली डायग्नोसिस के लिए नहीं है, ये लोगों ने समझना बहुत ज़रूरी है। अर्ली डायग्नोसिस को क्यों नहीं है कि हमने 10 दिन होने के बाद में या ऑलमोस्ट 2 हफ्ते होने के बाद में समझो मैंने एंटीबॉडी टेस्ट की तो 80% लोगों में ही सिर्फ वो एंटीबॉडी दिखती है। इसका मतलब मेरा डायग्नोसिस 20% में मैं सिर्फ एंटीबॉडी इस्तेमाल करूं तो 15 दिन होने के बाद में भी मैं बोल नहीं पाऊंगा। इसलिए ये डायग्नोसिस के लिए इस्तेमाल नहीं होती है,
ये इस्तेमाल होती है सर्वेलेंस के पर्पस के लिए। सर्वेलेंस यानी क्या, जैसे अग्रवाल साहब बार बार आपको ये बता रहे हैं कि हॉटस्पॉट्स होते हैं, अब ये हॉटस्पॉट पे आपको अगर नजर रखना है तो यहां ये बढ़ते जा रहा है या कम होते जा रहा है, ये अगर मुझे देखना है तो मैं ये एंटीबॉडी टेस्ट पीरियोडिकली करके मैं जान सकता हूं। अब कुछ लोगों के मन में एक विचार आएगा कि क्या एंटीबॉडी टेस्ट पॉजिटिव हो गई, इसका मायना मुझे इन्फेक्शन हुआ, मुझे बाद में इन्फेक्शन नहीं होगा, ऐसे मैं मान सकता हूं क्या? तो हमको एक दूसरी चीज समझना है, कोई भी विषाणु के खिलाफ जब एंटीबॉडी तैयार होती है, हर विषाणु उस विषाणु के साथ बाद में अच्छे ढंग से लड़ सकती है वो एंटीबॉडी, ऐसे नहीं होता है। उदाहरण के तौर पे देता हूँ, मुझे अभी यहाँ हिंदी में क्या बोलते हैं मालूम नहीं, वैरिसेला जोस्टर करके जो होती, चिकन पॉक्स जो होता है ना, चिकन पॉक्स की जो बीमारी होती है उसमें जो एंटीबॉडी एक बार तैयार हो जाए तो इतने अच्छे दर्जे की होती है, इतनी अच्छी क्वालिटी होती है कि जिंदगी भर बाद में नए सिरे से ये चिकन पॉक्स आपको कभी होता नहीं। लेकिन उसी हिसाब से अगर आपने देखा तो साइंस में का पैराडॉक्स देखो, आपको एचआईवी इन्फेक्शन हुआ, मेरे शरीर में एचआईवी एंटीबॉडी जिंदगी भर दिखेगी लेकिन वो एचआईवी के खिलाफ प्रोटेक्ट नहीं करती है। तो एंटीबॉडी दिखे भी तो हम ये नहीं समझ सकते हैं कि इसका मायना मुझे हुआ ही नहीं है, ये देख यानी मेरा इम्यून रिस्पांस बहुत स्ट्रांग है, अभी मुझे कभी होगा नहीं, ये बोलना कठिन होता है। कब तक कठिन होगा? जब तक इसके ऊपर अच्छा संशोधन नहीं होता, ये एंटीबॉडी कितनी अच्छे ढंग की है इसका पता नहीं चलता, जब तक हम इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते इस ढंग से। ये क्यों बोल रहा हूँ, हमने सर्वेलेंस पर्पस के लिए इस्तेमाल करना है, ट्रेंड देखने के लिए इस्तेमाल करना है, लेकिन इसको हम अर्ली डायग्नोसिस के हिसाब से हमने कभी इस्तेमाल करना नहीं चाहिए। अब दूसरी बड़ी बात कि हम जब ये एंटीबॉडी टेस्ट के इंडिकेशन बोल रहे हैं कि ये सर्वेलेंस में इस्तेमाल करते हैं, तो फिर एक बार हम याद करवा के देख लें कि ये आरटीपीसीआर जो है पहली वायरोलॉजिक टेस्ट हम किन किन लोगों को दे रहे हैं। अब अगर मैं आपको बोलूँ, फिर पुरानी याददाश्त आपको दिलवा दूँ कि ये जो टेस्ट किट है, ये जो टेस्ट है किस किस को ऑफर होती है, जो भी ऐसी जगह से इंटरनेशनली आया है जिनको 14 दिन में वो वहाँ गया था जहाँ ये इसके ये बीमारी ज़्यादा फैली हुई थी उसको ऑफर हो सकती है, उसको अगर उसके लक्षण दिखाई दे तो। लेकिन आज के तौर पे ये क्राइटेरिया रिलैक्स्ड है, लेकिन कभी ना कभी तो भी, क्योंकि ये अभी तो लॉकडाउन चालू है, इंटरनेशनल फ्लाइट्स नहीं है, कभी ना कभी तो भी ऐसे होगा फिर हम खुल जाएं, उस वक्त ये क्राइटेरिया फिर लगेगा, इसलिए उसको अभी भी रखे हैं। दूसरी बात हमको याद रखना है कि जो भी लैब कंफर्म केस का कांटेक्ट है उसको अगर कोई लक्षण दिखे तो उसको हम ऑफर करते हैं। तीसरी बात, जो कोई हेल्थ केयर वर्कर होगा उसको अगर कोई लक्षण दिखे तो उसको भी ये टेस्ट ऑफर हम करते हैं। चौथी बात, जब हम हॉटस्पॉट में रहने वाले लोगों को देखें, उनमें अगर आपको सारे जगह पे अगर हमने लोग देखे तो जहां भी हमको सारी की केस दिखती है सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन की, जो एक लक्षण हो सकता है, एक सिंड्रोम के वैसा एक कॉम्प्लेक्स होगा कि जिसमें ये कोविड 19 के केसेस होंगे, तो हम सारी के हर रुग्ण को, हर मरीज को हम ये टेस्ट ऑफर करते हैं, इसमें भी कोई कमी किसी किस्म की नहीं है। और आखिरी बात, जो भी एसिम्प्टोमेटिक है, हाई रिस्क केसेस है, उनके जो कॉन्टैक्ट्स है उनको हम 5वें दिन के बाद में या 14 दिन के बाद में हम ये टेस्ट भी ऑफर करते हैं। और सबसे बड़ी बात, ये जो नए हॉटस्पॉट करके क्लस्टर खुल रहे हैं, ये क्लस्टर के अंदर हॉटस्पॉट की लिस्ट शायद सर ने आपको दी होगी, वो लिस्ट में जो जो भी जिले हैं उन जिलों में जिस किसी को इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस हो, यानी बुखार खांसी और जुकाम ऐसे कोई इलनेस अगर होगा तो उसको भी ये टेस्ट ऑफर की जाएगी। अब ये मैं क्यों बोल रहा हूँ,
सबको बार बार ऐसे लगता है कि शायद हम कम लोगों को टेस्ट ऑफर कर रहे होंगे। इनको छोड़ के और कोई क्राइटेरिया और जगह पे इस्तेमाल नहीं होता है कि जिसको हम कम यानी हमारे यहाँ नहीं है बाहर कहीं कर रहे हैं, ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है। एक चीज हमने एक करने की कोशिश की कि ये पूलिंग करके सैंपल को पूल करके क्या हम लोग टेस्ट कर पाएंगे, तो हमने देखा कि आरटीपीसीआर ना यानी जो मॉलिक्यूलर टेस्ट है वो मॉलिक्यूलर टेस्ट का इस्तेमाल करके हम पूलिंग कर सकते हैं। पूल्ड इसलिए कर सकते हैं क्योंकि उसकी कीमत कम हो जाएगी, नतीजा वही मिलेगा। ये कहाँ कर सकते हैं? जहाँ जहाँ जो डिस्ट्रिक्ट्स में इन्फेक्शन नहीं है उस जगह पे आया है क्या ये अगर देखना है, तो जिन जिलों में 2% से कम सीरो पॉजिटिविटी रेट है वहाँ 5 सैंपल का पूलिंग करके हम टेस्ट कर सकते हैं। अगर वो पूल पॉजिटिव पाया गया तो हम ये पांचों के पांचों अगर टेस्ट करें तो हमको उसमें इकोनॉमिक बेनिफिट भी हम रख सकेंगे, सारे लोगों की टेस्ट करने की हमको ज़रूरत भी नहीं आएगी। इसका मायना क्या हुआ कि आज जो हम टेस्ट कर रहे हैं उसके क्राइटेरिया भी बाहर जैसे हैं वैसे हैं। आज हमारा जो नेटवर्क है वो पूरा के पूरा नेटवर्क पूरे देश भर फैला हुआ है। सिर्फ इंतज़ार किस बात का है? हमारी जो कैपेसिटी है वो कैपेसिटी में जितने लोग चाहिए उतने लोगों का अगर मुझे टेस्ट करना है तो लोगों ने घर जिनको लक्षण होंगे जो लोगों का कांटेक्ट आया होगा वो लोगों ने अपनी टेस्ट करने के लिए आगे आना है। पहले ही मैं बता चुका हूँ कि 3-4 दिन पहले हमारे पास 6 हफ्ते टेस्ट करने के उतना स्टॉक था। आज हम ये बोल सकते हैं कि जैसे मैंने कल बताया आज तकरीबन 8 हफ्ते तक हमको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, हम लोगों की टेस्ट कर सकते हैं। सिर्फ रैपिड टेस्ट जो है ये डायग्नोसिस के लिए नहीं है, क्योंकि ये टेस्ट अब आई तो सब लोग लिखना शुरू करेंगे, लोग सोचेंगे मैं रैपिड टेस्ट करवा लेता हूँ, वो उसके लिए नहीं है, डायग्नोसिस के लिए नहीं है, ये एपिडेमियोलॉजिक पर्पजेस के लिए है।